Good morning, dear students. Today, I am going to teach you the concept of International Place Value System. In the previous lectures, as you were aware, we have studied the concept of Indian Place Value System. So, first of all, we need to know what is the difference between International and Indian Place Value System. See, in the Indian Place Value System, I am writing here, Indian Place Value System, we will have four periods. Once, thousand, lakh, and crores. Okay, in the ones place we'll be having place value for ones, tens, and hundred. It means three places will occupy the ones period. Then in thousand we are having thousand and 10,000. Lakh we are having lakh and 10 lakh, crore we are having crore and 10 crore. It means ki in Indian place value system, we have to put commas after first three digits from the right side, then after every two digits, and here we are having three digits, right? So this is the way how do you put comma in that. Now, in the international system, in international place value system, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इक्वालिटी फॉर एवरीवन, सबको समान अधिकार, यानी कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ तीन पीरियड्स होते हैं. कौन कौन से? वंस, थाउजेंड्स और मिलियन. अगर आप इसको इस तरीके ट्रिक से याद करेंगे तो कभी भी लाइफ में गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका. वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियन. वंस के अंदर भी हमारे पास तीन प्लेसेस आते हैं, ठीक है. थाउजेंड के पास भी हमारे पास तीन प्लेसेस आएंगे और मिलियन के अंदर भी हमारे पास थ्री प्लेसेस आएंगे. तो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, वन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन. सॉरी, मिलियन, टेन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन. नाउ वी हैव टू पुट कॉमास आफ्टर एवरी थ्री डिजिट्स. हर तीन डिजिट के बाद हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पे. और जो सबसे अच्छी बात है कि हमें नंबर नेम कैसे लिखना है. अब जो मैं आपको बुक का क्वेश्चन तो खैर नहीं है ये, बट आप समझ लीजिए, ठीक है. सपोज ये नंबर है हमारे पास और हमें कहा गया है राइट डाउन द नंबर नेम फॉर दिस नंबर स्टेटमेंट. हमें इसका नंबर नेम लिखना है इस न्यूमरल के लिए, तो हम कैसे लिखेंगे देखिए. थ्री टू वन सबको भूल जाइए, इंटरनेशनल पूछा गया. थ्री टू वन को देखिए, अगर हमारे पास थ्री टू वन है और हम सोचे कि हमारे पास ये कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे इसको? 321 बोलेंगे. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 321. अब क्वेश्चन खत्म क्यों हुआ हमारा? 321 कौन से पीरियड में लाई कर रहा है? मिलियन के अंदर. तो हम लिखेंगे यहाँ पर मिलियन, राइट. इसके बाद आएगा 294. 294 इज व्हाट? 294. अभी क्या है, कौन से पीरियड में लाई कर रहा है? थाउजेंड में. तो 294,000 और लास्ट में आएगा 328, ठीक है. तो दिस वॉज द वे हाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर वन इन 1.4 एक्सरसाइज. ऑल दो दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट वॉज नॉट फ्रॉम योर एक्सरसाइज, बट आपको मेथड पता लग गया तो आप सारे पार्ट्स कर सकते हैं. नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू. अब हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मुड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर टू देखिए. राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग नंबर्स. हमें नंबर नेम्स दिए गए हैं और हमें न्यूमरल्स लिखने हैं. तो सपोज आई पिक अप हियर क्वेश्चन नंबर एफ. क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट एफ ले रही हूँ मैं. द क्वेश्चन इज 100 मिलियन. 100 मिलियन, 200,000, 5, ठीक है. अब
सबसे पहले जो तरीका होता है क्वेश्चन करने का, हमेशा वो ये होता है कि हम लोग उस प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीरो सेट करें, मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन। अगर आप क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वन हंड्रेड मिलियन, तो हंड्रेड पे क्या कौन सा पीरियड है, मिलियन, और हमें मालूम है कि लास्ट के तीन प्लेसेस हमने मिलियन के लिए रखे हैं, तो हम लिखेंगे 100, खत्म। 200,000, 200,000 भी हो गया खत्म। 5, 5 क्या है, 5 इज द ओनली नंबर, मीन्स इट विल पुट इट इन द वंस प्लेस। अब ये क्या बचा, 0, और ये आपका आ गया आंसर, और उसके अकॉर्डिंग हमने कॉमर्स लगा लिए। तो दिस इज अ परफेक्ट मेथड हाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर आप एग्जाम में भी ऐसे करेंगे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, रीअरेंज द कॉमर्स। आपको यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं, इंटरनेशनल में भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इंडियन में लिखे हैं मोस्टली नंबर्स, हमें रीअरेंज करना है कॉमर्स को। सो अगेन आई एम टेकिंग पार्ट डी, 25,36,87,304, दिस इज अ नंबर, 25,36,87,304, बट दिस इज एन इंडियन सिस्टम एंड वी हैव टू अरेंज द कॉमर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। सो हाउ, वॉट विल बी योर आंसर, आंसर विल बी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द राइट साइड, यानी कि वंस प्लेस से। 304 लिखा, पहला में 3 है, अब 7 के बाद 8 के बाद 6, फिर से कॉमा, 3 अकेला रह गया, तो यानी कि वो इन दोनों के साथ 3 बनाएगा, 5 एंड 2, तो 2, 5, 3, 6, 8, 7, 304 इज अवर आंसर। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आज क्लास मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत कर रही हूँ, फ्रॉम द क्लास 1, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली ओलंपियाड्स के अंदर आते हैं हमारे पास। तो करना क्या है हमें वो देखिए, सारा एक बार दोबारा से इंडियन प्लेस वैल्यू को रिकप्लाइज करते हैं हम लोग, ये वंस, ये टेंस, ठीक है। और मेरा जो सबसे पहला वीडियो था जब मैंने नंबर नेम्स का ये प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कुछ ब्लॉक्स और रॉड्स के साथ, तो उस वीडियो में भी आपको ध्यान से समझ में आया होगा कि जैसे ही हम, एक बहुत कॉमन सी बात है, एज वेन एवर वी मूव फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, ठीक है, हमारी प्लेस वैल्यू में कितने का जंप लगता है, हमेशा 10-10 का जंप लगता है। कैसे, 0 मतलब वंस, वंस एंड 10, यानी कि अगर एक बात हम समझें, 110 इज इक्वल टू 10, बहुत सिंपल है समझना, ठीक है। 100, अब देखो ये कैसे चल रहा है, देखो ये ग्राफ बनेगा पूरा ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, तो हमें मालूम है कि 110 यानी कि 10, ठीक है, 100 यानी कि 100 यानी कि 2 ज़ीरोज़ हैं उसके अंदर। अगर अब मैं आपसे पूछूँ कि 100 में कितने टेंस होते हैं, हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 100, तो क्या जवाब देंगे, देखिए 100 इज इक्वल टू 10 टेंस। वाई, बिकॉज जब बिल्कुल जो कंसेक्यूटिव प्लेस वैल्यूज हैं, कंसेक्यूटिव मतलब बिल्कुल एक के बाद एक प्लेस वैल्यूज हैं, हमें कितने कितने का डिफरेंस होएगा, 10-10 का जंप कर रहा है, 10-10 के मल्टीपल्स बन रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय, एंड व्हाट इज द वैल्यू, 110, 110 इज 10, तो आंसर इज 100। तो इस तरह से लॉजिक हमें दिमाग में एग्जीक्यूट करना है अपने। नाउ वी कम टू 1000, अब 1000 क्या होता है, देखिए लाइक दिस, फिर हम आए 10,000 पे, 10,000 होता है ये, लाख, ठीक है। उसके बाद हम आए 10 लाख पे, देन वी कम टू करोड़। अगर आप ध्यान से इस पिरामिड को देख रहे हैं, देखिए दिस इज अ पिरामिड, ये पिरामिड की फॉर्म में बनी जा रहा है आपके पास, तो ये पिरामिड से हमें क्या पता लग रहा है, इस पिरामिड से हमें ये पता लग रहा है कि एवरी प्लेस वैल्यू, एवरी कॉन्सिक्यूटिव प्लेस वैल्यू व्हेन वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट इज गेटिंग इंक्रीमेंटेड बाय अ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे, सपोज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, ठीक है, रट्टा बिल्कुल नहीं मार रहे हैं, हर चीज़ को लॉजिकली समझ के करना है हमें, बिकॉज अगर एक बार हम रट्टा मारेंगे तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन चेंज हो गया तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है।
वन करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी लैख. सी करोड़ यहाँ पर है, ठीक है, ये वन यहाँ पे है, लैख यहाँ पे है ना, यानी कि आंसर क्या आया, 100 लाख. अब आप लोग पूछेंगे मुझसे कि मैम हमें क्वेश्चन में पेपर में वाले क्वेश्चन आता तो हमें ये सब करना है, ये सब करना नहीं है, माइंड में इसको ध्यान रखना है हमें, ठीक है. आपको वहाँ कोई पूछने नहीं वाला कि आपने क्या करना है, ठीक है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू. उसके बाद बी क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी आपको, पहले लैक्स वाले क्वेश्चन हम लेते हैं. उसके बाद है ई पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे इंडियन प्लेस वाले से रिलेटेड है. 1 लाख इज इक्वल टू डैश 1000. देखिए अगेन 1 लाख इसके नीचे आएंगे हम लोग, 1 लाख 1000 मांगा गया हमसे, अगेन 100, यानी 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मच 1000, 100,000, ठीक है. अब हम इसी के अंदर एक और चीज को समझेंगे. देखो ये मैं आई एम नॉट गोइंग टू रब दिस बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम. अब मैं इसी के ऊपर लिख रही हूँ इंटरनेशनल, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड सॉरी यस मिलियन टेन मिलियन एंड हंड्रेड मिलियन, ठीक है. अब हमें आपस में पूछा गया, इंटर प्लेस वैल्यू सिस्टम्स के अंदर पूछा गया है, वो हम कैसे करेंगे. हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, सी पार्ट में यहाँ पे कर रही हूँ, डैश लैक्स, यस दिस विल बी 100,000, दिस विल बी मिलियन 10 मिलियन एंड 10 करोड़ विल बी 100 मिलियन. नाउ इट इज करेक्ट, राइट. नाउ डैश लैक इज इक्वल टू 1 मिलियन. कितने लैक्स मिलके 1 मिलियन बना रहे हैं, ठीक है. अब ये देखो इंटर सिस्टम हो गया ना, ये इंडियन है और ये इंटरनेशनल है.